बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है काशिफ, आप देख रहे हैं कैरिशन यूट्यूब चैनल। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि चैनल के ऊपर जो भी लेटेस्ट न्यूज़ आती है एजुकेशन के हवाले से, हम क्वालिटी वीडियो के साथ हम आपको नोटिफिकेशन भी दिखाते हैं और लाइव प्रूफ के साथ आपके साथ खबर शेयर की जाती है। तो प्यारे बच्चों, जो बच्चे इस चैनल के ऊपर न्यू है, जिन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी लेटेस्ट न्यूज़ आए एजुकेशन के हवाले से आपको फौरन मिलती रहे। लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसके अंदर मैंने बताया था कि 11वीं और 12वीं क्लास की जो डेट है उसके अंदर जो है वो तस्वीर कर दी गई है दाखिला भेजने के हवाले से, कि दाखला सिंगल फीस के साथ आप दाखला जो है 12/3/2021 तक भेज सकते हैं। और इसका नोटिफिकेशन जो है आप जो है अब लाहौर बोर्ड की साइट के ऊपर जाके भी चेक कर सकते हैं। बोर्ड ने जो है वो ऑफिशियल तौर पे वेबसाइट के ऊपर वो नोटिफिकेशन अपलोड कर दिया है। इसके अलावा जो है आपको पता है कि एग्जाम के हवाले से बहुत सारी जो है खबरें जो है सोशल मीडिया के ऊपर जो है गर्दिश कर रही हैं, अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। एक बहुत ज्यादा जो है वो लेटर शेयर किया गया जिसके अंदर बताया गया कि मैट्रिक के पेपर 25 अगस्त से स्टार्ट होंगे और इंटर के पेपर जो है 24 सितंबर से जो है, कि क्या ये नोटिफिकेशन रियल है या फेक है। तो इसका जो है नोटिफिकेशन जो आईबीसीसी ने दिया है, आईबीसीसी के फेसबुक पेज के ऊपर भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और जो है वो आईबीसीसी के ट्विटर अकाउंट के ऊपर भी मिल जाएगा। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन प्रोफेशनल ट्रेनिंग ने भी इसका ट्वीट किया है। इसके अंदर कहा है कि सेक्रेटरी आईबीसीसी डॉक्टर गुलाम अली ने मैट्रिक और इंटर के इम्तहान के मुतलका सोशल मीडिया पर वायरल की गई खबर को जाली और बेबुनियाद करार देते हुए कहा है कि इस खत का हकीकत से कोई तलक नहीं है। वालदेन और तुलबा इम्तहान के निकाद और दीगर अमूर के बारे में मुतलका बोर्ड से रबते में रहें। तो जो भी नोटिफिकेशन आता है आपको पता है कि इस चैनल के ऊपर हम फौरन जो है अपलोड करते हैं। ये खबर जो है बिल्कुल फेक है। ये आईबीसीसी ने बकायदा जो है इसका नोटिफिकेशन जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, नोटिफिकेशन भी आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। इससे पहले आपको पता है कि फेडरल बोर्ड जो है वो ऑलरेडी जो इस्लामाबाद बोर्ड है वो भी बता चुका है कि आपका एग्जाम जो है वो कब होगा। फेडरल बोर्ड के नोटिफिकेशन के मुताबिक जो फेडरल बोर्ड इस्लामाबाद है उसके जो एग्जाम होगा, जो मैट्रिक का जो एग्जाम है वो स्टार्ट होगा 20 मई 2021 से। अगर हम बात करें इंटर के एग्जाम की तो फेडरल बोर्ड के नोटिफिकेशन के मुताबिक 10 जून 2021 से जो है आपके एग्जाम जो है वो स्टार्ट होंगे। ये नोटिफिकेशन फेडरल बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर भी आप पढ़ सकते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी रख दूंगा। अगर हम बात करें पंजाब के अंदर जो बोर्ड आते हैं, इससे पहले जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारे चैनल्स के ऊपर एक खबर अपलोड की गई थी कि 9th-10th की डेट शीट आ गई है, उसका भी नोटिफिकेशन बोर्ड ने दिया था कि जो खबर है जो सोशल मीडिया पर ऊपर गर्दिश कर रही है डेट शीट 9th-10th की मैट्रिक के हवाले से, जो डेट शीट है वो जाली है। ये नोटिफिकेशन आप बोर्ड का देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, जिसके अंदर बोर्ड ने कहा था कि फेक डेट शीट का नोटिस लेते हुए उम्मीदवार वाले को खबरदार किया गया है कि बोर्ड ने जो है किसी किस्म की कोई डेट शीट जारी नहीं की। तो आप जो है करेक्ट इंफॉर्मेशन के लिए कैरिशन यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके ऊपर जो भी अथेंटिक और रियल न्यूज आती है वही आपके साथ जो है वो हम शेयर करते हैं। इस हवाले से एक जो है नोटिफिकेशन बोर्ड ने और दिया था पंजाब के हवाले से, मैं बात कर रहा हूं कि मैट्रिक के जो पेपर आपके हैं वो 4/5/2021 से वो पेपर आपके स्टार्ट हो जाएंगे। इसी तरह जो पंजाब बोर्ड कम्युनिटी ऑफ चेयरमैन की जो मीटिंग हुई थी, जितने भी बोर्ड्स आते हैं पंजाब बोर्ड के अंदर, इसी तरह एजे के बोर्ड भी जो है उसके अंदर आता है, तो उसके अंदर जो है एजे के बोर्ड ने भी नोटिफिकेशन दिया था कि जो इंटर के पेपर होंगे आईबीसीसी के नोटिफिकेशन के मुताबिक वो 12 जून 2021 बरोज हफ्ते से शुरू होंगे। ये मैं बात कर रहा हूँ पंजाब के 9 बोर्ड की और साथ इसके अंदर एजे के बोर्ड जो आज़ाद जम्मू कश्मीर बोर्ड है उसकी, ये आप जो है वेबसाइट के ऊपर भी जाके इसका नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। इस हवाले से अगर हम बात करें केपी के बोर्ड की तो कहाड़ बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर भी ये दिया गया है कि मैट्रिक के सालाना इम्तहान 2021 जो होंगे वो बरोज जुमा 21 मई से स्टार्ट होंगे। अगर इंटर के एग्जाम की बात करें तो वो 17 जून 2021 से शुरू हो जाएगा। तो इसी तरह ये पेशावर बोर्ड की साइट के ऊपर भी बताया गया था। इसी तरह जो अब नोटिफिकेशन देख रहे हैं ये एबटाबाद बोर्ड की जो साइट के ऊपर भी बताया गया था, वो भी यही डेट है। डेट थोड़ी सी मुख्तलिफ है पंजाब की और डेट है, और जो केपी के बोर्ड्स केपी के में बोर्ड्स आते हैं उनकी डेट थोड़ी सी मुख्तलिफ है। इसी तरह फेडरल बोर्ड की डेट थोड़ी सी मुख्तलिफ है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। जिस तरह पहले आपको बताया गया कि 9th-10th की डेट शीट आ गई है वो फेक निकली, अब आपको बताया गया कि आपका जो पेपर होंगे, जिस तरह मैंने आपको नोटिफिकेशन दिखाया जिसमें मैंने बताया कि आईबीसीसी ने जो है कंफर्म कर दिया है वो नोटिफिकेशन फेक है, और जो रियल नोटिफिकेशन आए हैं वो मैं आपको बता चुका हूं। तो आप जो है किसी भी ऐसी खबर के ऊपर जो है कभी भी जो है यकीन ना किया करें जब तक आप बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर जाके अपना नोटिफिकेशन चेक नहीं कर लेते। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये जो गलत खबरें फैलाते हैं इनको शर्म नहीं आती, ये बहुत ही ज्यादा जो है आपको मिसगाइड करते हैं। सिर्फ ये जो है
या व्यूज लेने के चक्कर में आपको जो है मिसगाइड करते हैं और फेक न्यूज देते हैं। तो अल्लाह ताला इनको हदायत दे और सारे बच्चों को अल्लाह ताला अच्छे नंबरों से पास करे, आमीन आमीन आम भी कह दें। तो इंशाल्लाह ताला जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगी बोर्ड की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से, हम वक्तन वक्तन इस चैनल के ऊपर अपलोड करते रहेंगे। और हमारी कोशिश होती है कि जो भी रियल न्यूज़ हो और जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको पता है कि इसके ऊपर जो भी रियल न्यूज़ आती है वही हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।